यू आर मोस्ट वेलकम एट माई प्लेस, प्लीज़ कम इन। अगर आप देख सकते हैं तो गणेश जी से शुरुआत की जाती है और मेरे घर पे भी ये प्यारे से छोटे से गणेश जी हैं जिन्हें मैंने बनाया है। मैं अपने डैडी की, सच में अपने डैडी की प्रिंसेस हूँ। तो ये वुडन पीस था जिसे मैंने कटिंग करवाया है अकॉर्डिंग टू इट, और फिर उसके बाद ये ग्लास पेंटिंग के कलर्स हैं। ओके, सो नाउ वील स्टार्ट एंड मेक समथिंग। आई हैव दीज टू जैम जार्स। This gives a very nice look. You can put it as a decoration also in your living room, and you know, put a lighting or do whatever. तो अभी हम इसको dry होने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसको भी कवर कर लेंगे। तो दिस ऑल्सो यू कैन डेकोरेट इस। तो ये कलर हुई भी नहीं आती जब आप आइसक्रीम खाते हैं, इट्स लाइक व्हाइट। तो यू कैन जस्ट आस्क योर चिल्ड्रंस टू कलर इट, उनको इंटरेस्ट आएगा, डिफरेंट कलरफुल चीजें होंगी। तो ये एक के ऊपर एक करके इसे चिपका सकते हैं। फॉर अ मैसेज यू कैन राइट समथिंग। ये भी मैंने बनाया है और मैं आई एम नॉन अल्कोहलिक, मगर मेरे घर में अगर बॉटल्स बच जाती हैं या कहीं पे भी भंगार की दुकान से, मैं ऐसी वेस्ट बॉटल्स उठा के लाती हूँ एंड देन उस पर ऐसी थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी करने की कोशिश करती हूँ। अभी लाइटिंग लगानी बाकी है। दिस इज लिव वेल लाफ ऑफन एंड लव मच। ये सब मैंने बनाया है खुद ने, जो कि लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। दिस इज़ द वन, द क्यूटेस्ट वन, प्लीज़ डोंट टैग मी इन दीज फोटोज, जो सब ने होल्ड किया था। सो आई मेड दीज। इसके बाद मैंने फ़ोटो बूथ भी बनाया था अपने घर में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ईजी कर देती हैं और आपके बजट में भी हो जाती हैं।